हरे कृष्णा। व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं नवनीत आज आप सबके समक्ष एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आज की दुनिया में कलयुग में जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, और वो रिक्वायरमेंट है पैसे की, लक्ष्मी की, धन की। ये परिभाषा आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन समाज में पैसा तो पैसा ही है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी दशा चल रही है, हमने अपना होरोस्कोप, अपना टेवा इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया है, हमने उनसे उपाय लिए हैं, हमने उपाय किए हैं, फिर भी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई कमी रह रही है और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं, और अमीर, देखिए, इंसान केवल पैसे से अमीर नहीं होता। एक जो सेटिस्फेक्शन है, एक जो मन के अंदर एक कंटेंटनेस है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फुलफिल्ड इन माई लाइफ, उसको आप अमीर कह सकते हैं। अमीर आप उसको भी कह सकते हैं जो सेहत से अमीर है, जो सुबह एक्सरसाइज कर सकता है, वॉक पे जा सकता है, अगर कुछ मीठा खाना चाहे तो खा सकता है, अगर कुछ मन करे, कुछ चटपटा, कुछ अच्छा खाने का, वो खाकर भी उसे पचाकर नॉर्मल रह सकता है, जिसकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, जो समाज में कहीं पर भी किसी भी समय मूव कर सकता है, जिसका सम्मान है, जिसकी इज्जत है, वो लोग हमारे ज्योतिष के हिसाब से अमीर कहलाते हैं। देखिए, अब हमारी परिभाषा कलयुग के अंदर बदल गई है। मैं जो कलयुग की परिभाषा है उसको लेकर आज का वीडियो लेकर आया हूँ, विच इज़ मनी, विच इज़ कैश, कि बहुत से लोगों के पास पैसा दरवाजे पे तो आता है, खटखटाता है, लेकिन फिर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को हम टेवा दिखा चुके हैं, हम उपाय कर चुके हैं सारे, फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नॉक करती हैं और चली जाती हैं। ये क्या रीज़न है इनके पीछे? इनके पीछे हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमारी कुछ आदतें हैं, जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़, पैसा दरवाजे पे आके वापस चला जाता है, हमें मिलता नहीं है। वो बातें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताए। आप छोटी छोटी चेंजेस अगर अपनी लाइफ में कर लें तो डेफिनेटली आप जो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं वो आपके हाथ से जाएंगी नहीं, एंड यू विल ऑलवेज हैव लॉट ऑफ कैश, लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। तो मैं आपको आज ये नहीं बताऊंगा कि आपने क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आज आपने क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जिनसे हम सब जूझ रहे हैं, और वो दिक्कतें और वो परेशानियां हमारी इन हरकतों, इन आदतों की वजह से है। फर्स्ट थिंग, अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते नहीं हैं, अगर आपका दिन 10 बजे शुरू होता है, 10:30 बजे, 11 बजे शुरू होता है, तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट सूर्य का आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता। यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गो फॉर दी एक्सरसाइज। आपको अपने मंगल को भी स्ट्रांग करना है। देखिए, मूंगा डाल लेने से या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने से, ठीक है मंगल स्ट्रांग होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से, अपने शरीर का ध्यान रखने से, अपना ब्लड प्यूरीफाई करने से भी मंगल जो है वो उच्च का होता है, वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यू हैव टू गेट अप एट अराउंड 5:30 मैक्स इन द मॉर्निंग। और जो लोग
जिनका 10 बजे दिन शुरू होता है और वो खाना खाकर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के 12 साढ़े 12 बजे भगवान को याद करते हैं कि चलो भगवान की बारी आ गई, अब हम देखो भगवान हमने आपके सामने जोत जला दी, पाठ कर दिया। नो, यू विल गेट रिजल्ट्स बट यू विल नॉट गेट 100% रिजल्ट्स। अगर आप औरत की इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो आपकी फ्रेंड है, कोई भी है, इवन कि अगर आपके ऑफिस में काम करने वाली इम्प्लॉय है, अगर आपके मन में सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है फीमेल के लिए, आपके ऊपर लक्ष्मी कभी भी मेहरबान नहीं हो सकती। आपके एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स के किए हुए उपाय भी आपको रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आप सबको खुश रख सकते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे आप बीवी को खुश नहीं रख सकते, या आपकी इन लॉज के साथ नहीं बनती है, या बेटी के साथ नहीं बनती है, देखिए ये दोनों तरफ से है। आपको अपनी बहू की भी इज्जत करनी है, और जिन लोगों ने अपनी बेटी को दिया है किसी के घर में, उनको अपने सन इन लॉ, जवाई की, जीजा की भी इज्जत करनी है, तभी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने सन इन लॉ की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी डॉटर इन लॉ की इज्जत नहीं करते हैं। ये चीज़ें 99% 90% समाज के साथ हो रही हैं, इसीलिए उनके घर में पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, एक एक पैसा बहुत फाइट करने के बाद उनको मिल रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनको। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कि जब अच्छा वक्त आया, हमें अकल आई, तो हमने ये सब चीज़ों को क्लोजली देखा और भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी उसके बाद। चाहे आप उपाय करते हैं, चाहे आप नहीं करते हैं, जितने मर्जी उपाय आप कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी के, जितने मर्जी आप रतन डाल लीजिए, स्टोन डाल लीजिए, अगर आप में ये 4 5 6 चीज़ों का आचरण नहीं है, वो आर दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू इफेक्ट। जस्ट लाइक इफ यू गो टू अ जिम और शाम को आप आके रोज फास्ट फूड खा लेते हैं, तो मॉर्निंग के 2 घंटे की एक्सरसाइज का आपको कोई फायदा नहीं होता। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत से ऐसे कर्म हैं, अगर आप सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 10 बजे 11 12 बजे तक आप अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये एक ऐसा कर्म हो जाता है जिसमें शुक्र एक्टिवेटेड होता है, राहु एक्टिवेटेड होता है, और ये सब चीजें रात की हैं, नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग द डे। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर को ये उपाय भी बताते देखा होगा कि यू शुड अवॉइड फिजिकल रिलेशनशिप्स, तो वो चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी भी हालत में जो है इस चीजों को अवॉइड करें अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑन द सेम टाइम अगर आप किसी ब्राह्मण को ना करते हैं, कोई ब्राह्मण आपके घर आ गया और आप उसको भूखा भेज देते हैं, उसको दुत्कार देते हैं, या किसी भी संत की निंदा करते हैं आप, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो उसके अपने कर्म है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ऑल्सो आप कभी भी लक्ष्मी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी जिंदगी में धन या लक्ष्मी नहीं होगी। अगर आप जानवरों को मिसबिहेव करते हैं जानवरों के साथ, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही चलते चलते कोई कुत्ता दिख जाए या डॉग दिख जाए उसको लात मार देते हैं, या किसी पंछी को पत्थर मार देते हैं, बिल्ली को कुछ कर देते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई ना कोई कमी रह जाएगी। आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अमीर बनने से रोकती, मन में दया भावना। आपके पास पैसे तो पड़े हैं लेकिन आप पैसा होने के बावजूद भी आप किसी की पेमेंट डिले कर रहे हैं कि उसको आदत ना पड़ जाए कि वो टाइम पे पेमेंट मांगने आ जाएगा। ये चीजें भी इंसान को कहीं ना कहीं पर मुश्किल में ला देती हैं आने वाले, आपको अभी नहीं, बिकॉज आपका कर्म तो बिल्ड हो रहा है ना उसमें। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं लेकिन इट हैज ह्यूज इफेक्ट इन योर हॉरोस्कोप इन द रेमेडीज। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए। अगर आप घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं, आपके बैठने की जगह, आपका ऑफिस, पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी नहीं है, आपके ऊपर कोई रतन
जेमस्टोन काम नहीं कर सकता। देखिए, एक जेमस्टोन आपकी जिंदगी बदल सकता है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं कि एक या दो जेमस्टोन्स हमारे क्लाइंट्स ने धारण किए एंड दे हैव अमेजिंग रिजल्ट्स इन देयर लाइफ। बट आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, आपका घर अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है, उसकी एनर्जी काम नहीं करेगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखें। माँ बाप की सेवा, औरतों की इज्जत, बच्चों का सम्मान, पेड़ पौधे, पक्षियों, जानवरों के लिए दया, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ पैसे का लेन देन क्लियर, और सुबह अर्ली उठना और अर्ली मॉर्निंग में शारीरिक संबंध ना बनाना, ये सब चीज़ें आपको जिंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस देंगी कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं। आप करके देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने प्रैक्टिकल किया है, एंड विद इन 45 डेज लेडीज एंड जेंटलमैन दे हैव गॉट दी रिजल्ट्स। And after listening to this video, you guys have the opportunity to just make small changes in your life and you'll see how things change for you, right? So if you like this video, please subscribe to my channel, Vyasa Astro Channel. I'll come up with more videos. Till then, Hare Krishna. Thank you.